हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पांडा एजुकेशन। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग घटना चक्र में पूर्वालोकन सीरीज। और ये सीरीज 50 डेज अप्रॉक्सीमेट चलेगा, जिसमें हम लोग कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी से। मेन टारगेट है हमारा UPPCS 2024। UPPCS 2024 से पहले सब कुछ कंप्लीट करना है अपने को कोर सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जियोग्राफी से। जियोग्राफी UPPCS में 20 to 22 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या है? इंडियन प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों आते हैं। हम लोग इंडियन, जो कि 15 डेज अप्रोक्सीमेट लगेगा कंप्लीट करने में, वर्ल्ड जियोग्राफी 7 डेज, मैक्स टू मैक्स 10 डेज, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और इसके अल्टरनेट में हम लोग एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, डेली। डेली मैं दो वीडियो लेके आऊंगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट का। पहला ज्योग्राफी है, दूसरा हिस्ट्री या पॉलिटी, किसी भी एक चीज का हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए ज्योग्राफी से। इंडियन जियो ग्राफी से तो पहले आप लोग बुक खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए बुक, फिर स्टार्ट करते हैं इसको, इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में चलिए मैं पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इंडिया का। इंडिया ये वर्ल्ड है, मिड लाइन इक्वेटर इसको कहते हैं, इंडिया लाइन, इंडिया लाइन नॉर्थ साइड करता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हुआ और ये साउथ हेमिस्फीयर हुआ। इंडिया आपका लाइन नॉर्थ साइड करता है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, जो इंडिया को अप्रोक्सीमेट हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये याद रखे रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए पहला पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं, इंडिया इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इट ऑक्यूपाई अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर। हाँ, ये 2.4% टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर करता है। होल ऑफ द इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। नहीं, ये गलत है। अब होल ऑफ द इंडिया ट्रॉपिक जोन में क्यों नहीं करता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अभी बताया कि ये इंडिया है, लीजिए ऑफ डायग्राम, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है इक्वेटर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर जो जोन है वो उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ऊपर वाले को टेम्परेट जोन कहते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल जोन है, बट हाफ पोर्शन ऑफ द इंडिया इज लाइज इन ट्रॉपिकल जोन और हाफ टेम्परेट जोन में होता है। चलिए जब यहाँ पे आए गए तो एक और चीज जान लेते हैं, इंडिया का एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट 284 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, और वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट 2। अभी आप बताइए यहाँ पे कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भी ईस्ट होगा, आपका वेस्ट का भी ईस्ट होगा। ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए नॉर्थ, पूरे इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो
आपका नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ में ही रहेगा। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं कि इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर मैक्सिमम होते हैं। तो अगर ये लेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 2933 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है। और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 3214 किलोमीटर। चलिए यहीं पे एक चीज और जान लेते हैं, कलर चेंज कर ले दीजिए। इंडिया इंडिया को इंडिया बोला जाता है, भारत बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है, आर्यवर्त बोला जाता है। ये मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, बेसिक चीज है। इंडिया जो कि यूरोपियन लैंग्वेज से डराइव है आपका, भारत, भरत क्लैन, आप लोग एंशियंट में ये पढ़े होंगे, भरत क्लैन से, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको। और हिंदुस्तान ये ईस्ट ऑफ सिंध बोला जाता था, इसको हिंदू पर्शियंस की, और आर्यवर्ता इसको लैंड ऑफ आर्यंस बोला जाता है, लैंड ऑफ आर्यंस। चलिए इंडिया इंडिया का टोटल एरिया कितना है, अगर हम लोग ये करेंगे तो 3.28 क्या है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का टोटल, जो कि वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री। और 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड का कवरेज है इसका, टोटल लैंड का कवरेज है इसका, और इंडिया इसके नॉर्दर्न द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को इसको इंदिरा कोल कहते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा कोल कहते हैं, इसको कन्या कुमारी, यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार है जो कि नीचे तक जाता है, ये हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार में साउदर्न मोस्ट पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको हम लोग किसको, अंडमान एंड निकोबार के जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का साउदर्न पार्ट, उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। चलिए आई वापस आते हैं, तुम लोग को इतना मान चोगे। चलिए 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड यूज टू डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हाँ ये भी सही है। अब ये कैसे सही है, चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। द स्टैंडर्ड टाइम ये आपका इंडिया है, इंडिया इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल शेप का है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और इंडिया को वैसे बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम आपका ये है जो कि पास करता है किससे, पासेस थ्रू मिर्जापुर, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, मिर्जापुर से पास करता है। अच्छा आपको कहा जाए कि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किससे किससे पास करता है, ये लाइन स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है इंडिया का, क्या है स्टैंडर्ड टाइम जोन है इंडिया का। अगर आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे, मुझे कलर चेंज करने दीजिए, तो इसको आप बोलेंगे यूपी से पास होता है, एमपी से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, उड़ीसा से पास होता है, आंध्र प्रदेश से पास होता है। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट से पास होता है क्या स्टैंडर्ड टाइम जोन,
हम लोग का। चलिए यहीं पर एक चीज और जानते हैं, जो हमारा वेदर वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, वहां पे वेस्ट मोस्ट पॉइंट ये कहाँ पे लाई करता है? तो यहाँ पे एक विलेज है जिसको गुहर मोती कहा जाता है, ये गुजरात में, और हमारा ईस्ट साइड ईस्टर्न मोस्ट में कौन सी विलेज है? अगर आपको बोला जाए तो ये बोला जाएगा कि बीरतू, की भी तू, जो कि आंध्र प्रदेश में, की भी तू जो कि आंध्र प्रदेश में। चलिए, और इंडिया को बता दिया हूं कि ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, तो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया। अब एरिया, टोटल लैंड एरिया अगर कहा जाए, अगर हम लोग को मालूम है ये इंडिया है, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, जिसके तीन पार्ट जो है वो ओशंस हैं, ओशन है इसके अगल बगल। अगर आपको बोला जाए कि कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन कितना कवर करता है इंडिया बॉर्डर में, तो कोस्ट लाइन में आप एक चीज बोलेंगे कि इसका जो मेन कोस्ट लाइन है, क्योंकि हमारे पास क्या है इधर अंडमान है निकोबार और इधर साइड लक्षद्वीप, ए एंड एन, और इधर लक्षद्वीप आप लेंगे, तो मेन जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, मेन लैंड ये मेन लैंड रहता है इंडिया के, मेन लैंड है इसका, जो कोस्ट लाइन है कितना किलोमीटर है, तो उसको आप बोलेंगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर आपको बोला जाए कि टोटल अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप का टोटल कितना है, अंडमान एंड निकोबार प्लस आपको कहा जाए लक्षद्वीप का, तो टोटल आप क्या बोलेंगे, 75.16 किलोमीटर टोटल, ये टोटल है। ये टोटल है, टोटल है, टोटल में मेनलैंड भी आता है आपका वैसे। चलिए आते हैं वापस से अब इसमें, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है। चलिए आए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डज द इंडिया रैंक इन अमंग द कंट्री, सेवंथ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, चलिए इसको बताने की जरूरत नहीं। इंडिया इज इन द साइज ऑफ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पियर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सही है, इसका एक्सटेंशन आपको मैं बता दिया हूँ। नॉर्थ में, ये नॉर्थ में क्यों है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लॉन्गिट्यूड आपको एक्सटेंशन के भी मैं बता दिया हूँ। अब नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, ये गलत है, कितने हैं स्टेट, 28, चलिए उम्मीद है याद होगा। फिर एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ, ये सही है, ये आपका सही है। अब ये पूछा है पॉपुलेशन, वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन हम लोग कितना कंटेन करते हैं, तो 2011 के हिसाब से, अगर 2011 के हिसाब जाएंगे तो 17.5%, कितना, 17.5% सेंसस ये 2011 का, 2001 का आप लेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आता है 16.7%, तो अप्रोक्सीमेट है, तो सबसे नियरेस्ट जो है वो है 17, तो इसलिए बी ऑप्शन हुआ। हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इन इंडिया, कितने विलेजेस हैं आपके, तो आप बोलेंगे नॉट दिस, उसका कारण है कि 6,40,932 विलेज है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, हाँ ये सही है, आपका सेकेंड पॉपुलस कंट्री, सेकेंड पॉपुलस कंट्री था, अब हो गया फर्स्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है इंडिया,
2023 का ये न्यूज है, करेंट न्यूज। इट्स अ लैंड बाउंड्री एक्सटेंडेड अराउंड 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ये तो सही बात है कि अगर आपका लैंड फ्रंटियर पूरा देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर तक का है। ये मैं आपको बताया अभी कि नहीं, बताया आप ये चीज जान लीजिए कि जो लैंड फ्रंटियर है इसका, ये है 15,200 किलोमीटर। टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर, ये लैंड फ्रंटियर है। अगर आप इसमें कोस्ट लाइन भी मिलाते हैं, मतलब सब आप कोस्ट लाइन भी करते हैं, तो कोस्ट लाइन कितना था, 16.6 किलोमीटर प्लस 15,200 किलोमीटर, 2,271.6 किलोमीटर। अगर आप, अब लैंड फ्रंटियर क्या होता है, ये का प्रपोर्शन लैंड फ्रंटियर में आता है क्योंकि इसके अराउंड सी नहीं है, कंट्री है, बॉर्डर कंट्री है, और हम लोग का कोस्ट लाइन ये है। तो अगर टोटल फ्रंटियर ले जाए, टोटल बाउंड्री एरिया, तो ये होता है पर 22,722,716 किलोमीटर है। चलिए आइए वापस से इसमें, चलिए चलिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये हमारा क्या शो कर रहा है, फर्स्ट डायग्राम, यह है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप ये भी समझ सकते हैं, लैटी लैटी का मतलब होता है कि लेट लेट जाना, लेट जाना, लेट जाना पोजीशन में लाइन है, मींस आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। अच्छा ये बताइए इसकी इसके क्या यूजेस होते हैं लैटिट्यूड के, क्या आपको मालूम है कि लैटिट्यूड किस किस यूजेस के लिए आते हैं? चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि लैटिट्यूड का क्या क्या यूज है। लैटिट्यूड आपके विंड डिटरमाइन करते हैं, वेदर डिटरमाइन करते हैं, रेन और यूटीसी आपके लैटिट्यूड करते हैं। जो मिडल वन है उसको इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पे होता है, कितना मिडल वन 0 डिग्री। अब आइए आपका लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे इक्वेटर हाफ पोर्शन में, हाफ में डिवाइड करता है ग्लोब को, किसमें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल में आएंगे तो प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री पे, ये वर्ल्ड को हाफ में डिवाइड करता है। प्राइम मेरिडियन ये हम जनरली हमारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, अगर लॉन्गिट्यूड आपको कहा जाए तो आप बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूड पोजीशन डिटरमाइन करता है। किसी भी चीज का आपको पोजीशन बताना है तो आपके पास लॉन्गिट्यूड होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड जनरली आपका पोजीशन करता है। चलिए अब ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये एक्चुअली ये क्लॉक टाइम है, इसको हम लोग जीरो रखते हैं, 0 आवर। यहां से एक्चुअली हम लोग टाइम को डिटरमाइन करते हैं कि किस कंट्री में कितना टाइम हो रहा होगा। तो ये इसका आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये जो लाइन है ग्रीनविच टाइम, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये पास होता है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, ये लंदन में है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है और ये लंदन के पास है। चलिए आइए, और द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन इज मैक्सिमम 111.33 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 111 किलोमीटर लिया जाता है अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो। ये डिस्टेंस ये दो दो लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं।
द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन 37 डिग्री टू 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ टू। देखिए ये गलत हो गया, साउथ यहाँ पे आ गया। शायद आप ऐसे ही क्वेश्चन को अगर आपको डिटरमिन करना है, ये भी नॉर्थ होना चाहिए था पहले बार, इससे आप गलत हो गया। इसमें नॉर्थ और साउथ दे दिया, साउथ साइड है ही नहीं हम लोग का, इंडिया जो है वो नॉर्थ साइड लाइक करता है, तो नॉर्थ वही होगा। अब चलिए आइए ये चेक करते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री 4 मिनट था हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, और ये था आपका कितना था 37 पॉइंट, ये आपका था 37। अगर ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, तो ये भी गलत हो गया, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, आप इसको डायरेक्शन से ही गलत कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया, पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया। तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पाइए, द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू द, अब ये जो लैटिट्यूड है जो पास करता है सिक्किम से, सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, जो सिक्किम से पास करता है वो और किस से पास कर सकता है। चलिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपका है इंडिया है, ये अप्रोक्सीमेट इंडिया। अगर आप इधर सिक्किम लेते हो, तो अगर ये लाइन ले रहे हो कोई भी, तो ये ऊपर साइड क्या है, ये है राजस्थान हमारा, अगर मैप आपको याद होगा तो, या एक बार आप मैप भी देख लीजिएगा, मैं मैपिंग का भी क्लास बीच में करवा दूंगा, मैपिंग का मैं 1 वीक क्लास लूंगा जिसमें वर्ल्ड और इंडियन बता दूंगा ओवरऑल, जो जो NPYQ से ही करवाऊंगा, कि जो जो लास्ट ईयर में आया उसी से मैं करवा दूंगा मैपिंग क्लासेस। अब 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू, जो 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो किसके थ्रू कहाँ से पास हो रहा है, तो ये जैसलमेर है, ये आपको देखना पड़ेगा, काफी लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन ये याद रख लीजिएगा। चलिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक डिग्री को याद रखे रहें। चलिए ये थर्ड पे, इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या, इंडिया को हाफ में डिवाइड करता है, ये इंडिया है, इंडिया को अप्रोक्सीमेट हाफ में डिवाइड कर रहा है, क्या है ये लैटिट्यूड है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया को हाफ उसमें डिवाइड करता है। चलिए ये समझ में आ गया। अभी किस किस स्टेट से पास होता है, देखिए पहली बात तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये 23, ये मुझे हाईलाइट ले लेने दीजिए, ये आपका ये 23 डिग्री 23 डिग्री एंड 30 मिनट से पास होता है। अब किस किस स्टेट से पास करता है, ये है हमारा स्टेट क्या है, गुजरात है हमारा स्टेट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब ये देखिए राजस्थान भी है इसी में, राजस्थान भी, ये इधर राजस्थान से पास करता है, गुजरात से पास करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, रांची, ये झारखंड है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, आपके कितने स्टेट से, ये कितने स्टेट हुए, 8 स्टेट हुए, 8 स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। चलिए आइए तो इसमें देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस विद द नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, पोजीशन ऑफ द सन 21 जून जो ओवर है ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम लोग को मालूम है कि जो हमारा वर्ल्ड है ये ग्लोब है, ये क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये सन है,
ये स्टेट है, ये थोड़ा टिल्ट है अपने पोजीशन पे। टिल्ट की वजह से क्या होता है, जो लैटिट्यूड है वो भी टिल्ट हो जाती है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये अर्थ अर्थ साइड, ये सन साइड टिल्ट होता है। और ये पोजीशन कब ओवरहेड होता है, जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका 21 जून को जो सन होता है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। अर्थ को डिवाइड इक्वेटर करता है, लेकिन इक्वेटर पे ओवरहेड ना रह के ये ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका कारण है ये टिल्ट, जो हमारा ग्लोब टिल्ट है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? क्या उड़ीसा से करता है? हम लोगों ने उड़ीसा किया नहीं, हिमाचल प्रदेश से करता है नहीं, ये नॉर्थ में उत्तराखंड के ऊपर है आपका, उत्तराखंड से करता ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश से कैसे करेगा? क्या बिहार झारखंड से करता है? हाँ करता है। अभी हम लोग देखे ना कि रांची से पास होते थे क्या, और आंध्र प्रदेश से करता है? जी नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस किस स्टेट? देखिए फर्स्ट गुजरात, हाँ गुजरात तो है गुजरात, फिर राजस्थान का छोटा सा पोर्शन था उससे भी पास किया था, तो क्या क्या हुआ? गुजरात था, हाँ गुजरात है। छत्तीसगढ़ है, हाँ हम लोगों ने देखा कि झारखंड के बाद, झारखंड से पहले छत्तीसगढ़ से भी पास हुआ था, एमपी के बाद और झारखंड के बीच में छत्तीसगढ़ है, एमपी और ये झारखंड के बीच में छत्तीसगढ़ था, यहाँ से भी पास हम लोग का हुआ था, जो छत्तीसगढ़ से हुआ था। क्या ये उत्तर प्रदेश से होता है? जी नहीं, ये उत्तर प्रदेश से तो नहीं होता है आपका, ये उत्तर प्रदेश के नीचे से चला जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं होता, झारखंड से होता है ये, हाँ होता है। तो हमारा है 1, 2, 4, ये वाला। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है? क्या मध्य प्रदेश से होता है? ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश तो हो गए। त्रिपुरा से होता है? हाँ होता है, ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये दो से पास करता ही है, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम भी है अलग देश। कितने स्टेट से पास करता है? 8 स्टेट, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू? 8 अभी बताया। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? जम्मू एंड कश्मीर नहीं, नॉर्दर्न पोस्ट नॉर्थ साइड है, ये नहीं है, हिमाचल प्रदेश से नहीं है, ये आपका बिहार, देखिए बिहार दिया हुआ है और झारखंड दिया हुआ है, तो बिहार से नहीं पास करता है, झारखंड से पास करता है। पहले बिहार के अंदर ही झारखंड था, बट ये अलग हो गए, अब झारखंड अलग स्टेट हो गया है। चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? त्रिपुरा से, हम लोगों ने पीछे देखा त्रिपुरा और मिजोरम, ये दो से तो करता है, ये कंफर्म है हम लोग को। क्या छत्तीसगढ़ से करता है? हाँ छत्तीसगढ़ से करता है, ये अभी हमने बताया कि एमपी और आपके झारखंड के बीच का है पोर्शन छत्तीसगढ़, वहां से भी करता है, मणिपुर से नहीं करता है। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास नियरेस्ट टाउन कौन सा है? देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि वैसे तो ये सब है, लेकिन मोस्ट नियरेस्ट कौन सा आपका पार्ट है, ये आपको जानना है, मोस्ट नियरेस्ट कौन सा है। इसमें वैसे गांधीनगर है गुजरात का, मतलब क्यों है, मतलब यहाँ पे आके हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, जो अगरतला है वो 23 डिग्री एंड 50 मिनट, देख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से पास होता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। अप्रोक्सीमेट हमें यही चाहिए होगा 23 डिग्री एंड 30 मिनट के पास, तो ये 50 है नियरेस्ट, ये भी है, एंड 19 ये उससे ज्यादा, अगरतला से ज्यादा नियरेस्ट
गांधीनगर है, प्लस 11 है। जबलपुर में 23 डिग्री एंड 11 मिनट, जो कि 19 मिनट का डिफरेंस है। उज्जैन 23 डिग्री एंड 9 मिनट, जो कि 21 मिनट का डिफरेंस है। तो सबसे नियरेस्ट गांधीनगर है। चलिए, एमंग एमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन ऑफ द वो विच वन इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बताइए इसमें से नियरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन से। दिल्ली है? नहीं, दिल्ली नहीं है। जोधपुर? जोधपुर आप कह सकते हैं, लेकिन जोधपुर आपका राजस्थान में है। राजस्थान से पास करता है? हाँ पास करता है, नीचे वाले पोर्शन से आपके राजस्थान के पास करता है। ये था आपका गुजरात। चलिए, मैं ये आपका इंडिया है। चलिए मैं वैसे इंडिया बना दे रहा हूँ। ये आपका गुजरात है, ये आपका ये तो यहाँ से बस इतना राजस्थान का आई थिंक जो है जोधपुर इधर साइड है। तो जोधपुर, नागपुर से तो हो ही होगा ही नहीं, क्योंकि आपका एमपी है। तो नागपुर आपका नीचे वाले पोर्शन में, साउथ पोर्शन में, तो नागपुर नहीं हो। कोलकाता? हाँ कोलकाता से नियरेस्ट होता है ये वैसे तो, अगर आप मैप देखेंगे। दिल्ली 28 डिग्री एंड 25 मिनट, नहीं। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। जोधपुर 26 मिनट, नहीं। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अभी हम लोगों ने याद किया कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ के पास होता है। तब नियरेस्ट इससे कंपेयर आप कर सकते हो। वैसे अगर आप मैप देखते होगे तो आपको पता चल गया होगा। दिल्ली नहीं, सॉरी कोलकाता, कोलकाता नियरेस्ट है। चलिए, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड द इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट। ये तो पहले ही बता दिए थे। कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा होगा? ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। साउथ मत कर दीजिएगा, नॉर्थ। नॉर्थ क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है वर्ल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, इसके नॉर्थ पोर्शन में कौन सा इंडियन स्टेट जो है वो लाई करता है। चलिए मैं आपको चीज बता रहा, मिजोरम और त्रिपुरा, ये दो से तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। झारखंड से भी होता है, झारखंड से भी होता है। अब देखिए मिजोरम और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लास्ट स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्ट के लास्ट साउदर्न स्टेट है, आप ये कह सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसके साउदर्न है, मतलब इसके नीचे कोई नहीं है, इसके ऊपर ही होगा। यहाँ पर जो मणिपुर है ये भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन ये ऊपर आता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अब आगे। चलिए ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव अ मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ, ठीक है। अभी हम लोगों ने 21 जून पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था आपको याद होगा? 21 जून सन जो है वो ओवर हेड होता है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो नियरेस्ट, नियरेस्ट कौन होगा? जो नियरेस्ट होगा आपका, उसमें आपका जो डे का लेंथ है वो बढ़ेगा। चलिए नियरेस्ट आपको मैं देखता हूँ, हैदराबाद? नहीं, ये आपका साउथ हो जाएगा, तेलंगाना के पास। भोपाल? नहीं, ये भी एमपी के साउथ में हो जाएगा, और एमपी बड़ा स्टेट है। चेन्नई? नहीं, साउथ मोस्ट पोर्शन है। और दिल्ली? दिल्ली रख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग से तो सबसे नियरेस्ट है। तो जो प्लेस है
विल हैव मैक्सिमम डे ऑफ द जून, वो होगा दिल्ली। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टार्टिंग इंक्रीजिंग आफ्टर द स्टार्ट इंक्रीजिंग। अच्छा, गर्मी के समय, समर के टाइम जो डे है वो बढ़ता है, उसकी जो टाइमिंग है, क्यों क्यों बढ़ता है? क्या टाइम में ऊपर नीचे होता? नहीं, जो सनसेट है वो लेट होता है, इसलिए डे टाइम जो है इंक्रीज होता है। लेकिन यही विंटर में सनसेट जो है वो जल्दी होता है, अर्ली होता है, इसलिए शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम रखा जाता है डे टाइम का। विंटर में नाइट बड़ा होता है, समर में डे बड़ा होता है, बस ये चीज याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट है, देखिए मैं अभी आपको ये बताया ना, द सन इज डायरेक्टली ओवर हेडेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन एंड देयर पोल टिल्ट रहता है, सन के साइड झुका हुआ रहता है। एंड द नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज द डे रेंजिंग जस्ट ओवर फ्रॉम 12 आवर्स अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए एक चीज जान लीजिए, ये है, ये आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डेल्टा है। अगर सन सन जो है ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, मींस 12 आवर डे और 12 आवर नाइट 21 जून को होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 12 आवर डे 12 आवर नाइट आपका होगा, ये रेंज होता है जो कि मैक्सिमम रखा जाता है। चलिए यहाँ पर लिखा है अराउंड आवर टॉपिक ऑफ कैंसर 24 आवर इन द आर्कटिक, ठीक है ओके। अभी स्टैंडर्ड टाइम, अब ये टॉपिक हम लोग जो है फॉर द लेक्चर में आगे हम लोग करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।